जिला अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी मुरादाबाद के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें सिद्धार्थ विक्रम सिंह आबकारी निरीक्षक सेक्टर 3 एवं शिखर कुमार श्रीवास्तव आबकारी निरीक्षक सेक्टर 4 अपने स्टाफ के साथ थाना मझोला मुरादाबाद में प्रभावी रूप से चेकिंग अभियान चला रहे थे। रोड चेकिंग के दौरान टीपी नगर में एक व्यक्ति जिसका नाम राजू पुत्र राम रिचपाल जो कि परवलान थाना मुगलपुरा का निवासी था, उसको शराब व मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया, जिसके विरुद्ध थाना मझोला में अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही भी की गई। और दूसरी ओर अखिलेश कुमार सिंह आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 मुरादाबाद अपने स्टाफ व पुलिस संयुक्त टीम के साथ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श कॉलोनी हावड़ा बस्ती के दौरान लगभग 800 किलोग्राम लहन नष्ट की एवं 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। टीम के द्वारा जानकारी दी गई कि आगे भी इसी तरह की कार्यवाही अवैध शराब कारोबारियों के विरोध में रोड चेकिंग और दुकानों के निरीक्षण की कार्यवाही निरंतर की जाती रहेगी। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आज मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन अंतर्गत भातु कॉलोनी में प्रवर्तन कार्य किया गया। इस दौरान लगभग 150 लीटर कच्ची शराब जब्त किया गया और 600 किलोग्राम लहन को नष्ट करते हुए शराब बनाने के विभिन्न उपकरणों को नष्ट किया गया और 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए आबकारी अधिनियम की संगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ थाना सिविल लाइन में FIR करा कर के उनको जेल भेजा गया। और इसी क्रम में थाना मझोला में एक व्यक्ति को करीब 9 लीटर अवैध विदेशी मदिरा के साथ और एक वाहन के साथ गिरफ्तार करके थाना मझोला में उनके खिलाफ FIR दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई की गई। ओके सर, ये अभियान आपका कब तक चालू रहेगा? ये अभियान चलता रहेगा। रोड चेकिंग के समय एक मोटरसाइकिल और उस पर लदी हरियाणा प्रांत की एपिसोड ब्रांड की 9 लीटर यानी कि 12 बोतलें बरामद की गई। कितने बजे की बात सर? सुबह की करीब 5 बजे की बात है। और इसके अलावा कुछ और भी बरामद? और एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, राजू पुत्र राम रिच नालवाल निवासी मुगलपुरा सर, और उसके पास से एक मोटरसाइकिल UP 21BE 2522 बरामद की गई।